अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ओपिनियन विद अली काजी में बलिकार यासर अहमद हमको स्टूडियो में ज्वाइन करता सीनियर तजियाकार अली काजी साहब। वेलकम अली साहब। थैंक यू यासर। अली साहब, कल सदर साहब जी का गाल कही तो पक ना है मुझे जनवरी में इलेक्शन थे, पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो रेफरेंस दिनों तो उम्मीद आ तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ चंगी गाल अची हुई थी, पर अज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चवे तो भाई नन अड़ी का भी गाल ना है तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन जो वे का मुलतवी थे छा थे असा सजो स्केड्यूल तैयार है 3 नवंबर का अस स्केड्यूल दई छा। ठीक है, यानी इलेक्शन कमीशन एक दफो वरी इन गाल की खातरी कराई है उन तमाम धुरियन के, पर बिलखसूस सदर पाकिस्तान के, जहाँ कल सदर पाकिस्तान चो तो शायद पक न थस अल जनवरी के आखिर में भी चूंडू थन्दू या नियो बू सियासी पार्टियों भी पीपल्स पार्टी बू भी चवंद रहन पी तो भाई इलेक्शन की डेट दियो, माना ये खदशो मुख्तलिफ़ सियासी हल्कन में अवामी हल्कन में हो, तो एक दफो वरी इलेक्शन कमीशन पक पकानी कई है तो वो इरादो यो ही रखन था तो इलेक्शन नवंबर की 30 तारीख ताई यानी महीने खन में यो खत्म थी वो तकबंदियों उन इलेक्शन 54 प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन जारी कई उनमें 54 डी जिक्र किया। दफे इलेक्शन कमीशन यो है तो जै ही खत्म थो तो यानी पेरी डिसंबर से या 2 डिसंबर से वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस इलेक्शन शेड्यूल हाँ 90 डी जो तुक ठे नी माना 54-55 डी हों यानी जनवरी के आखिर में मुल्क में इलेक्शन थे इलेक्शन कमीशन वरी एक दफो यकीन दहानी कराई है। हाँ जितोड़ अस इलेक्शन कमीशन को एतरो बाख्तियार इदारो रो को उनकी का साख भी माजी में न रही है, तेज कर उनकी गाल एतबार घट अचे तो हर को पाँचा तजिया हणे तो पाँचा ख्याल दिखारे तो, लेकिन बहरहाल जड़ो भी इलेक्शन कमीशन है हाँ तो कानूनी तौर से तारीख भी उनकी ही दियणी है, लिहाजा जो फेस ऑफ इट जैसे चबो है तो जाहरी तरह चे अस इलेक्शन कराइंदी पा चो ठीक है कराइंदा मुख्य काफ़ी उम्मीद यही है तो इलेक्शन थींदा हाँ मुझी उम्मीद इन करे वधी वही है सुप्रीम कोर्ट में यो मामलो हलो वो है तो नवंबर के महीने में ही किथे यो पक पकानी इलेक्शन कमीशन वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी दई इंदी या थी सके तो इलेक्शन शेड्यूल ही सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए छे जो भी थे तो सो इलेक्शन तो पा वट खैर सा मुख्य लगे तो जनवरी के आखिर में या पद छिके तो बटे फेबररी या बटे तारीखन थी वी पर ऐसो या सिर्फ कड़ी बदनसीबी है अस जड़े मुल्क की त इलेक्शन जैसे को आमिर हों मार्शल लॉ अची वी त चबो अजी इलेक्शन सुभाने थी मता न थे अलग मानू की मर्जी होंगी है सब कुछ थे तो पर ही पे दफो हि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री आफ्टर द 73 कॉन्स्टिट्यूशन 70 का ही पे दफो है पाकिस्तान की तारीख में जैसे एक सिविलियन हुकूमत हो आइनी हुकूमत हो सजा इदारा पाँची जगह से आइन मूजिब हल्दा हुजन उनमें इलेक्शन की पक पकानी न हो इलेक्शन डिले वन पंजाब हुकूमत केपी हुकूमत के तकरीबन साल अची थो है इलेक्शन ही को निगरान पे हलन जनवरी में साल कड़े कानून के तहत एक अलग बहस है yes. बहस भी को तयशुदा गाल yes. को कानून ना है। अच्छा हाँ गाल है तो इोड़ी अलहेछा ही जो बेयकनी रखे वेठा न इलेक्शन ठीक है भाई तयशुदा गाल है मानन के दुनिया में जो तरक्की याफ्ता पुख्ती जमहूरियत वारा मुल्क होजन था उन्होंने 2 साल पहली खबर होंगी है तो फलानी तारीख थे अमेरिका में तारीख की खबर है तो फलानी तारीख से इलेक्शन थी वा लेकिन एनीवेज हाँ मतलब मानन के भी या जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके हाँ मुझे ख्याल है इंतजार न करें खपे इलेक्शन शेड्यूल जो उनकी जी मान की उजर खाई रही व्यू थन या खुशी गमी की दावतूँ रही व्यू थन वन खपे मानन के भी हिंर खा ही वोटर हैं उनके जहन ठाण खपे तो वो पाँ वोट जो इस्तेमाल इन दफे कि यो उम्मीदवार तो शायद या पार्टियों तो खर्च बचाइंद आखिरी बस 40-50 डी की कंपेन हलाइन जी खर्च घट थे पर मानन में आवाम में वोटर में यो शौक होजन खपे तो उनके टाइम तई इन उम्मीदवार जो दीदार नसीब थे इन्हें हिंसर का ही थोड़ा तलब बधाने खपे तो बाबा अचो फिरो घुमो वोट तो हाँ मानी मर्जी है जैसे दियन सब यही सवाल चाहिए इलेक्शन तो चलो अगर चाहिए तो मतलब 90% पक भी समझे तो भाई जनवरी के आखिर में या फेबरी की स्टार्टिंग में इलेक्शन तो इनके कराने माहौल यो ही रो जो है इसमें वो सबब यो है
पाणी 2018 में भी थोड़ो घणो महसूस कयो उहो इहो त यार सभिनी खे घटि में घटि नेशनल लेवल ते बल्कि पूरे मुल्क जो घणे भाङे अंदाज़ो थी वियो त यार केरु खटे पियो केरु हाराए पियो एग्जैक्टली छाकाणि त कंहिंजो हथ सघारी धुरियुनि जो हथु कंहिं ते आहे त उहो त इलेक्शन में न सियासी पार्टियुनि को घणो ज़ोर हयो ऐं न उहो माहौल जुड़ियो त छाकाणि त माण्हू ख़बर यार खटींदा उहे ई हू जंहिंजे करे ऐं पोइ जेको पी टी आई ते हुन ज़माने में नज़र करम हुई हाणे जेको नवाज़ लीग ते नज़र करम बिल्कुलु क्लियर आहे वाज़े ऐं चिटी ऐं बिना शक ख़ौफ़ ख़तर ऐं शक शुबह खां सवा हिकिड़ी जेका नवाज़ लीग ॾे नज़र करम आहे त इन जो बि शायदि फ़र्क़ु पवंदो त माण्हू चवंदा यार खटींदा उहे ई खटराइबो उहे ई हुननि खे त पोइ एतिरी महिनत करण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे लेकिन आई थिंक के बहरहाल वोटर खे पंहिंजो रोल प्ले करण जी कोशिशि त करणु खपे पोइ बाक़ी त नसीब जी ॻाल्हि आहे मतिलबु कहिड़े मक़सदु इहो आहे त नवाज़ शरीफ़ साहब ते नज़र करम त रहंदी पी टी आई जो फीचर छा हूंदो पी टी आई जे हवाले सां अॼु हिकिड़ी इंट्रस्टिंग डेवलपमेंट थी आहे जेको अॻूणा स्पीकर हुआ असांजा कैसर साहिबु छा नालो असद कैसर साहिबु ऐं टे पी टी आई जो वफ़्त जेको आहे वञी मौलाना फज़ल रहमान साहिब सां मिलियो आहे अली मोहम्मद खान साहब वारा बि हुआ ॿिया बि हुआ मतिलबु हिकिड़ी वफ़्त पी पी माना पहिरें काफ़ी ॾींहंनि खां पोइ काफ़ी अरसे खां पोइ हिकिड़ी पी टी आई जी हिकिड़ी पोलिटिकल एक्टिविटी पाण खे नज़र आई त हुननि जा कुझु जेके बाक़ी बची वियल अॻवान आहिनि उनमां बि हीअ कुझु त जेलूं काटे आया आहिनि जी हा लेकिन इहे जेके हिननि जी हिकिड़ी पोलिटिकल एक्टिविटी नज़र आई आहे ऐं जे यू आई एफ जे मौलाना फज़ल रहमान सां वञी मुलाक़ात करणु इहो सिग्निफिकेंट आहे ऐं मौलाना फज़ल रहमान जो बि हिननि सां मिलणु काफ़ी माना ख़ेज़ आहे यस छाकाणि कुझु ॾींहं पहिरीं मौलाना फज़ल रहमान जो जेको बयानु आयो हो तव्हांखे यादि हूंदो पाण डिस्कस बि कयो हो जंहिंमें हुननि इहो चयो त यार वन साइडेड गेम में त मज़ो न ईंदो मज़ो न ईंदो त हिकिड़ो जेस्चर मौलाना साहब पारां ॾेखारियो वियो पी टी आई जी एक्टिविटी छा ही अलाउ कई वेंदी छाकाणि त इहा ॻाल्हि त माण्हू विसारे छॾे त को जे यू आई एफ ऐं पी टी आई मौलाना फज़ल रहमान को पंहिंजो लाड़ो पी टी आई ॾे कंदो छाकाणि त हू नवाज़ लीग सां गॾु नवाज़ शरीफ़ सां गॾु ई बीहंदो लेकिन पहिरियों पॉलिटिक्स आहे हिन में के मिटी माइटियूं न थींदियूं आहिनि त लेकिन मुंहिंजे लाइ हैरत जी ॻाल्हि सिर्फ़ु एतिरी आहे हू त बाद जी केरु कंहिंसां बीहंदो न बीहंदो हू त बाद जी ॻाल्हि आहे हींअर पी टी आई खे ज़रूरत बि न आहे त हुन सां केरु हुन सां गॾु बीहे थो या नथो बीहे सिर्फ़ु हुनखे रुगो एतिरी परमिशन मिली वञे त हू पंहिंजी टंगनि ते बीह सघनि त हू खोड़नि पंजाब ऐं के पी में ख़ासि तरह ऐं सिंध जे बि कुझु इलाइक़नि में त छा पी टी आई खे कल मूंखे हैरत थी त नैयर केरु आहिनि पीपल्स पार्टी जा जनरल सेक्रेटरी नैयर बुखारी साहब उन्हनि बि चयो त भई हीअ पी टी आई ते जेको आहे हीअ जेका सख़्ती आहे या पाबंदी आहे ढरी कई वञे ऐं पी टी आई लाइ इहो मुतालबो करणु त इहो इन जो हिकिड़ो सबबु इहो बि आहे त पीपल्स पार्टी जो त मूं सम्झो पिए उन्हनि जो आहे त पी टी आई जो बहु ॾेखारिजे नवाज़ शरीफ़ खे थोरो हेठि आणिजे लेकिन मौलाना फज़ल रहमान छो नवाज़ शरीफ़ खे बहु ॾेखारींदो त इंट्रस्टिंग आहे हाणे कहिड़ी खिचड़ी पचे पई लेकिन आउं हिकिड़े कॉमन सेंस से इहे ॻाल्हि काफ़ी ज़माने कयां थो ऐं वरी उहो ई कंदसि मूं वटि को इंफॉर्मेशन न आहे त ॾिसो पी टी आई खां सवा जेका इलेक्शन थींदी उनखे मञता न मिलंदी सो किथे न किथे इहा सोच हूंदी त बाबा हिननि खे विढ़णु ॾियो पोइ ज़बरदस्त करे छॾियो पोइ हिननि जा हथ पेर ॿधी करे पर हिन खे मैदान मां ग़ाइब न कयो त लॻे थो त उहा सोच शायदि किथे हाणे ॾिसूं वरी सुभाणे ॿधी न वञनि सभु नारा त इहे लॻणु शुरू थी विया आहिनि नवाज़ शरीफ़ साहिब खे अॼु अपीलूं बहाल थी वियूं नवाज़ शरीफ़ साहिब जूं गॾो गॾु परेज़ लाई साहिब खे केस मां हिकिड़े मां डिस्चार्ज कयो वियो आहे ॿियनि मां थियनि त नथा थियनि पर ॻाल्हियूं त इहे अचणु शुरू थी वियूं आहिनि त सिर्फ़ु इंसाफ़ हाणे शरीफ़नि लाइ रहिजी वियो आहे मुल्क में सही इहो त ॾिसो न इहो त को नई ॻाल्हि त न आहे कंहिं ज़माने में शरीफ़नि खे इंसाफ़ ई न पियो मिलियो मरियम नवाज़ इहे ई रड़ियूं कंदी रही रहंदी त भई लाडलनि लाइ ऐं सिलेक्टेड लाइ तमामु घणो आहे त ख़्वाहिश इहा हुई त जेको कुझु जेके मराहत ऐं फैसिलिटीज़ ऐं जेके महिरबानी ऐं शफ़क़तूं हुन महिल जे लाडले इमरान ख़ान ते हुई उहे हाणे अॼोके असांखे बि साॻियूं मिलणु खपनि फरमाइश पूरी पई थिए जी हा कॉलर सां गॾु मीर एजाज़ टालपुर टंड ॾियां जी टालपुर साहिबु छा चवणु चाहींदा
सलाम तां के काजी साहब के वालेकुम काजी साहब कमेंट वठना है नी जो को अजी फैसला आया सही पंजो कोर्ट में हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी जमानत तो थी हो ने पंजो एतराज कौन कयो त हां केरी क्रेडिबिलिटी रही सही पंज इंसाफ जे इदारन में या नेब में अरड़ा में अकलो को दियो ये सागी ने पूरी तकरीबन वही जज है वही मुल्जिम है कड़ा फैसला पिजा अकामा पनामा जी आई टी सुप्रीम कोर्ट के जज निगरान में जी आई टी अज वरी ही फैसला पे थियन इनमें गाल जाहिर है वक्त जैसा कदे फैसला उ अस फैसला या वक्त तो मुख्तर हल्का है ताकतवर हल्का है को चंद बंद को कराण टीवी चैनल वक्त जैसा गद है वो फैसला वो तो कर या फैसलो तारीफ कही है विच में वही को पंजन साल में फैसला सब तब्दील सागे शूं सागे मू सा कोर्टू सागे इदारा तो यो कड़ी क्रेडिबिलिटी रही है इंसाफ या कड़ी आए कड़ी भाई क्रेडिबिलिटी इन कमेंट ठीक साईं बेबी कॉलर अख्तर मैसर पीरपुर मां जी मैसर साहब चार्ज में चाहिंदा साईं काजी साहब का सवाल हो सुमरे साहब का जड़ी तरह दादुओ में पुलिस जवान पवार साहब सवाल कयो सुमरे साहब जवाब जण बदरा उनके बदरायो जड़े नमूने उनके जी मतलब दिलती कई तो इलेक्शन अचान वाली है चंद महीन में इंदी तो इन में असके अड़ी शजर इंदी उम्मेदवार वोटर में आमू सामू कॉर्नर मीटिंग में तकीर में आमू सामू उम्मेदवार वोटर एक बे के आमू सामू थी जड़ो नमूनो दादू में थो सिंध में अवेयरनेस आए मतलब एतरी उम्मीद है तो वोटर जरूर सॉल्व जरूर कह पे उम्मेदवार का जी ठीक है साईं मीर साहब तहारी गाल जेका हुई तो भाई सागे नवाज शरीफ है सागे इदारा है तो ये छा थी आऊं तो छा तमाम पुराणो बार बच्चे के लतीफे की खबर आऊं ये बस उन जो ही सहारो वठी तांगे बुधाया तो बादशाह हो पे वजीर का पुछो तो कड़ी भाजी वणे थी तो उन मिसाल भिंडी की या कें बे की गाल कई तो भिंडी तमाम वणे थी त ऐं बादशाह चयो बैंगन जेको आहे वाङण जेको हूंदो आहे उहो त तमामु ख़राबु आहे फज़ीस साहब बिल्कुलु ख़राबु आहे साईं पेट ख़राबु थी वञे त हीअ थिए थो हू थिए थो थोरी देरि खां पोइ बादशाह चयो की नई बैंगन बहुत अछी सब्ज़ी है त वज़ीर खे पुछी आप क्या कजे वज़ीर सॻे वज़ीर वरी बैंगन जी तारीफ़ूं करणु शुरू करे त बादशाह पुछियोसि यार अभी तो आप मुखालफत कर रहे थे अभी आप फिर बैंगन की तारीफ़ कर रहे हैं क्या सरकार हम आपके नौकर हैं बैंगन के नौकर तो नहीं अरे पुराणो लतीफ़ो आहे बस इन खां पोइ वधीक छा ॻाल्हायूं साहिबु माण्हू असीं बादशाह जा नौकर हूंदा आहियूं को बैंगन जा नौकर थोरी हूंदा आहियूं बैंगन त मठबा रहंदा आहिनि बैंगन जे बारे में वाङण जेका आहे भाॼी ऐं कंहिं बि शइ जे बारे में अॼु ई भलो आहे अॼु ई भलो आहे जेके चवंदा त हीउ भलो आहे त हाज़ुर ई भलो आहे हीउ ख़राबु आहे हाज़ुर ई ख़राबु आहे जी बाक़ी तव्हांजो तारीख़ फ़ैसिलो कंदी साईं तारीख़ ते फ़ैसिला कंदी आहे पर ॻाल्हि इहा आहे तेसिताईं वीचारा फ़र्द न रहंदा आहिनि ज़ुल्फ़िकार अली भुटो तारीख़ लाइ फ़ैसिलो छॾे वियो न हुन सुप्रीम कोर्ट खे जे फ़ैसिले खे कहिड़ी अहमियत पर अहमियत इहा थी त फ़िलहालु त भाई चढ़ी वियो फ़िलहालु त शहीद थी वियो सो तारीख़ जा फ़ैसिला बहरहाल पंहिंजी जाइ ते हूंदा हाणे इहो त शौक़ु माण्हू ते आहे पर्सन टू पर्सन इहा ॻाल्हि वेरी कंदी आहे त माण्हू खे तारीख़ में जीअणो आहे या अॼु में जीअणो आहे 99.9% माण्हू अॼु में जहिड़ो रहणु चाहींदा आहिनि जो माण्हू चवंदा इहा प्रैक्टिकल ॻाल्हि आहे जी हा जी हा कॉलर वठिणो पोइ अचूं था पिया साईं सवाल ते इरफान अली सीलरो शहदादपुर मां जी सीलरो साहब छा चवणु चाहींदा वालेकुम सलाम साईं टीवी जो आवाज़ बंदि करे ॻाल्हायो साईं घटि आहे टीवी जो आवाज़ मतिलबु अली काज साहब खे सलाम था कयूं जी करे मुंहिंजो सवाल इहो त जेको राशिद महमूद सुमरे जलसे जे दौरान जेको हुन हिकिड़े पुलिस अहलकार खे दाबा ऐं धड़का ॾिना आहिनि तव्हांखे ख़बर हूंदी जी साईं इन हवाले सां त इहो जेको आहे सो अमल हिन जो कीअं था ॾिसो छा हिकिड़े जेको आहे सो जेको सियासतदान आहे हुनखे इहो ज़ेब ॾिए पियो त कंहिं हिकिड़े सवाल कंदड़ खे एतिरा दाबा धड़का ॾियनि ऐं हुनजी जेका इंसल्ट कनि कंहिं भरियल जलसे में इहो मुंहिंजो सवाल आहे बेबी वॉलर मिसिस ज़फ़र नकवी हैदराबाद मां जी मिसिस नकवी क्या कहना चाहेंगी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आपको भी सलाम
आज नकवी साहब की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उन्होंने मुझे कहा कि आप सवाल पूछ लें, तो सवाल काजी साहब ये है कि सवाल क्या अफसोस होता है इस मुल्क में जुडिशरी का जो रूप है वो बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। एक तरफ हमें नजर आता है कि इस तरह अदालत पहुंच जाती है एयरपोर्ट पर और बायोमेट्रिक भी हो जाती है एक शख्स के लिए, और एक शख्स की तमाम दरखास्तें मुस्तरद होती जा रही हैं, ठीक ठीक उसे सजा की तरफ ले जा रहे हैं और एक को सजा होने के बावजूद भी साफ पाक साफ किया जा रहा है। आप देख रहे हैं सर, आप प्लीज इस मामले में थोड़ी सी आप मेरी रहनुमाई करें जी। ही छा किसो बुधाई पे सुमरो साहब जो छा थियो है को पुलिस वाले को ते माना को सवाल वाल के हो पुलिस वाले या को बियो साहब पुलिस सेलकारो पुलिस है पुलिस सेलकारो उन सवाल के तक उन सा वायरल भी थिया काफी वीडियो हली अब उन के डाडो माना धड़का दा बारे ना वेन वरी पो खबर हुआ तो उन को मोतल भी कहे पुलिस वाले तो पुलिस वाले छा वर्दी में हो शायद मुझे का मा वीडियो रिटी ना स्पेसिफिक ना आने के थोड़ो समझ जे पोते कमेंट कजे लेकिन गाल ये है ते दिसो और सुमरो साहब जे अलफ जे बे हो जे अली है ते जिस तीन तुम पॉलिट हाँ यो अलग गाल है अगर वो सुमरो साहब जो मतलब ऑन ड्यूटी गार्ड हो तो वो चाहबो यार ही प्रोटोकॉल ना है तहां, लेकिन बहरहाल एतरो पेशेंस एतरो तहमल तो होजन खा यस गाल ये है क्रिटिसिज्म के तनकीद के बर्दाश्त करण होजन तो खपे जी हाँ जी हाँ असा में केतरी हुजे थी या अलग गाल है जी सियासतदानन के तो सफा मतलब इन मामले में कायम अली शाह जो मशहूर है तो उनके हर गाल बर्दाश्त करे बर्दाश्त करे भी दो बर्दाश्त थी ना है जी आई पो ये मानो दिस इज नॉट वेरी मतलब इनसा तहां पांजी एकड़ी एज अ पॉलिटिशियन पांजी एकड़ो इमेज त खराब कयो था अच्छा मा दिसा समझा तो वधिक तफसरो कंदासी इन ते मिस नकवी साहब बहन अच्छा क्या नकवी साहब की तबीयत अल्लाह खैर करे अल्लाह अगर उनका अलालत है तबीयत ठीक नहीं है तो अल्लाह उन्हें शफा दे। आपने फरमाया कि जुडिशरी का मामला देखें मैं तो थोड़ी दिन पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ अच्छा देखें इसमें एक और बात भी होती है अगर हम मिसाल एक दूसरा रुख देखते हैं बात कि एक केस है मैं सरकारी मतलब वकील हूँ या सरकारी इदारे का आदमी हूँ मैंने केस दाखिल कराया है यासिर सुमरो पर कि जनाब इसने 50 करोड़ रुपये की या 1 अरब रुपये की करप्शन की है। जज के पास जाता हूँ मैं अपना केस लड़ता हूँ अपना मौक़ रखता हूँ। अच्छा मैं चूंकि हुकूमत में भी होता हूँ इसलिए कभी कभी हमारे कुछ जज साहबान उस प्रेशर में भी होते हैं फेवर में भी होता हूँ। अच्छा अब मैं ही 4 साल के बाद 3 साल के बाद 5 साल के बाद जाके अदालत में खड़ा होता हूँ बोलता हूँ कि यासिर सुमरो तो नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये अलग बहस है जो हाईकोर्ट इस्लामाबाद ने पूछा भी नैब से कि भाई आप वही वाली नैब हो या कोई और हो। तो शायद उधर अफसरान ने कहा होगा कि अफसर और थे हम और हैं यानी उन्होंने कहा तो नहीं लेकिन कहना यही चाह रहे होंगे नैब तो वही है जी हाँ अफसर थे। लेकिन अफसर जब तब्दील हो जाता है तो नया अफसर नया हुक्म से चलता है लेकिन ये कोई आर्गुमेंट मेरा जो है वो कोई इतना वजनी और बहुत ही कोई इसमें वो नहीं है मैं खुद मान रहा हूँ लेकिन अब और मैं क्या कह सकता हूँ अदलिया है इसकी शान में हम जैसे लोग तो कुछ बात भी करेंगे तो ज़ाहिर है वो कहीं तौहीन के ज़ुमरे में ना आ जाए। मैंने तो आपसे थोड़ी देर पहले बहन ये गुजारिश की थी कि हम मैं जुडिशरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि हम तो जी बादशाह के वज़ीर हैं या नौकर हैं या मुलाजिम हैं हम बैंगन के तो मुलाजिम नहीं हैं। तो जो बादशाह कहेगा कि बैंगन अच्छी सब्ज़ी है हम बोलेंगे अच्छी है जब बोलेगा ख़राब है तो हम बोलेंगे ख़राब है बस बात ख़त्म हो गई। कल तक हम पर हुक्म था कि नवाज शरीफ का नाम टीवी पे नहीं चलना चाहिए हम समेत तमाम पाकिस्तान के चैनल्स में नवाज शरीफ का नाम नहीं चलता था क्योंकि जवाज ये बताया गया कि वो एक सजाए याफ्ता मुजरिम है। इमरान खान साहब खुद भी फरमाते थे कि कमाल हो गया ये टीवी चैनल्स क्या करते हैं कि एक सजाए याफ्ता आदमी की बयान चलाते हैं बंद कर दिया। फिर अचानक हमें खबर मिली कि वो सजाए याफ्ता की तो लाइव कवरेज चलानी चाहिए वो नहीं कि हमें किसी ने बोला लेकिन हमें इजाजत मिल गई और बताया गया कि अभी भी खबर आई है कि अब जिसका नाम नहीं लेना वो कासिम का अब्बा है। तो हमने कहा ठीक है जी हम बैंगन के इस मुल्क में रहने वाले बैंगन के मुलाजिम तो नहीं है जी इस मुल्क में रहना है इस मुल्क के जो जो उस वक्त का मतलब तबल बचता है उस वक्त जो हुक्म लगाया जाता है कि आज के बाद ये
इस मुल्क में, इस समाज का आज का ऑर्डर ऑफ द डे ये है। हम और आप बहन क्या कर सकते हैं? हम और आप कहते हैं जी बजा लाते हैं आपका हुक्म, और क्या कर सकते हैं? तो हम में और हम जैसे तो जाहिर हर इदारे में और हर जगह मौजूद है ना, मतलब हम सब वही हैं। जाहिर है। और अगर आप सर उठा के चलेंगे तो ये तो रस्म नहीं है ना यहाँ की। हमारे पास रस्म है कि ना सर उठा के नहीं चलना होता। जी हाँ, कॉलेज वरना जो हो रहा है कॉलेज माज चांडे लड़का नमा जी चांडे साहब चार्ज में चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, बात करें तो आप क्या? जी सही सही, मुझे सवाल काजी साहब का है तो कि प्रिंटिंग का जो कि हली या अमन मार तैयारी मौलाना साहब जी की करे तो उन साल सा जवाब से मैं तो आवामी मानू आया आवामी मन सवाल तो क्या है इनके मन की हक ना है सवाल करने जो जी जी वो जो सवाल तो करे वो बुद्धियो तो वने मन ये है मन संजो गई अमन मार्च छाजी जी ठीक सही ये भी करें मुसब जतो शिकारपुर में जी जतो साहब चार्ज में चाहिए। वालेकुम सलाम, मुझे सवाल अली काजी साहब का है। हेलो आवाज अचे तो जी जी सही साई मुझे अली काजी साहब का सवाल ये हुआ तो साई अज तक फैसलो अचो इरशाद रांझाणी जो उन फैसले के तवा किया था दिसो छह साल कैद की सजा मिली भाई मतलब रात नहीं गड़ाए सड़ाए टे साल जी सही छा था समझो जी जी ए मुझे सवाल यो जो अजकल मीडिया से हले तो साई राशिद अहमद सुधरा साहब जो बयान आड़ो पुलिस एहलकार ऑन ड्यूटी में न बल्कि वो सिविल में थी एज अ सर्वेंट थी करे तवा जे अगया थी पेश थो वो तवा का पांजो जमुरी हक रखी करे पांजो सवाल जो पुछा करन चाहे उनके अड़ी तजवीज करन उनके हेठ बयान छा यो तो थियो अमल तवा इनके के ता दसो सरो इन ते नजर जो साई ठीक है साई चांडी साहब जतो साहब जो एकड़ो सवाल त यो सागे पुलिस वाले वैसे सवाल इशू हले पे सवाल खबर पुलिस वाले को सवाल माना के बात ता सुभाने पीपल्स पार्टी सा इतात न कंदो। अच्छा हां इने ते सुमरो साहब कावड़ आई अच्छा अच्छा सिविल ड्रेस में साईं बुधाइन पे जतो साहब हो तो पो तो सिविल ड्रेस में ते पुलिस वालो को एकड़ो आम शहरी है उनके हक है तो छे है के उमाने वा पैसा दे इने के पकड़े हो इने के न पर इत्रो इत्रो करण की केड़ी जरूरत है चजे न न कंदासी सच्चाई हुई छा आउ चो चो पर अलाई तो फील छ अगर जेयू आईस पीपल्स पार्टी सा ठा न पी करे एग्जैक्टली तब एकड़ो न जो लव्स हो न काफी है न था कयो आई अगर को एड़ो ऑप्शन ओपन आ है तो चाहे अन्य फैसलो न है कयो यो भी चाहिए सके तो या कई असा तो नंढे होंदे का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ ही सियासतदान की गुफ्तगु बुधी है एकड़ो बियो हुंदा ये सवाल कबल इस वक्त है यस यस या या अन्य सियासतदान चवंदा है सियासत में कोई भी चीज हतमी नहीं होती खोड़ जवाब है इतना मुख्य चंदा हूं सियासतदान ना है खोड़ जवाब तो मुझे एडो नाराज थी कड़ी गाल साईं जतोई साहब जेका इरशाद रंझाणी जे हवाले सा जेका गाल कई से 6 साल टीप आई है 1 लाख रुपए जी डंड जेको मु टीवी ते डठो हाणे मुझे ख्याल 6 साल जी टीप मां 3 साल त तकरीबन हुनके जेल में थी विया हूंदा हमरा के जेको कातिल हर कातिल चई सघूं था चाहे कोर्ट हुनके कन्विक्ट कयो आहे ऐं पोइ जेके जेल में मोकलूं थींदियूं आहिनि हीउ थींदो आहे हू थींदो आहे जेके रियायतूं मिलंदियूं आहिनि पोइ सुठे बिहेवियर पोइ फलाण पोइ ढिमकाण ऐं त मुंहिंजे ख़्याल में ॼाण हाणे निकिरी ॼाण निकिरींदो एग्ज़ैक्टली जी ऐं लख रुपयो ॾंड त को बहर लेकिन अदालत जो फ़ैसिलो आहे ऐं हुन ते छा छा चई सघूं था लेकिन ऐं हिन जो जेको प्रैक्टिकल पासो आहे उहो मूंखे ईअं सम्झ में अचे थो त 3 साल पौणा 3 साल एतिरा मुंहिंजे ख़्याल टाइम थी वियो हूंदो हिन किसे खे ऐं जेको पोइ हू थींदो आहे ॾींहुं राति ॻणबा आहिनि पोइ अलाए कीअं हिसाबु थींदो आहे जेल जो ऐं हुन में पोइ थींदो आहे ईद जी मोकिलूं रमज़ान जी मोकिलूं हिन जी जे मोकिलनि सां मुरादी आहे त हू सज़ा माफ़ थींदी सज़ा माफ़ थी वेंदी आहे ईदनि ते त उहे ॾींहुं ॻणबा त मुंहिंजे ख़्याल 6-8 महीननि में हमरा ॿाहिरि अची वेंदो चार्ज करे अदालत जो फ़ैसिलो आहे लेकिन लेकिन सवाल इहो आहे त हिकिड़ो क्लियर कट मर्डर हो एग्ज़ैक्टली त पोइ ही एग्ज़ैक्टली कतल में सदा छा इहो छा हुन फ़ैसिले में इहो बि सम्झ न आयो अगेन
कानूनदान बुझा सकता तो सही उनके पर वक्त पुलिस न पहुंचाया yes, तेने करे डेथ थी तेने करे डेथ थी तो मन अच्छा रोड हादसे में किरी जख्मी थो उनके जी पॉइंट ब्लैंक ते गोलियों हयू पे उनके शायद खड़ी भी न पे वन डे हमारा ओरी मेरे एडो तो माना मुझे ख्याल इन जवाज यानी कॉज ऑफ डेथ जो है शायद अदालत सगोरी जो है वो कॉज ऑफ डेथ डेथ जो है वो एक्सेस ब्लीडिंग करा दिनों है जा थी पॉसिबल या तो डॉक्टर्स करा दिनों होंगे तो डॉक्टर्स करा दिनों होंगे लेकिन गाल यह तो जाहिर है अल्टीमेटली तो एक्सेस ब्लीडिंग में ही मानू मरी होने तो ना चाहे इंटरनल ब्लीडिंग थे या एक्सटर्नल ब्लीडिंग थे जी सो मोटिव जो वो गुलाम मुस्तफा बुगियो काजी अहमद मां जी बुगे साहब चाहिए चाहिए कई तो हेड़ो कुजलो में जिते इंतजामिया के तदारुक कई डीसी नवाब शाह के हो शहीद बेनजीराबाद के तो विजिट करे गोठन में इनकम वार करे जी ठीक साईं बे भी करे जाय चाचर कनकोट में जी चाचर साहब चाच में चाहिंदा भाई असा जो साल यो आत सिंधु हुकूमत का वती जको यो पांजी सिंध हुकूमत हुई वरी इन का पो निगरान हुकूमत आई है अमल ते असन जो घोटकी और कंदकोड़ जी पुल जो कम बंद पे आ चौथो पंजो साल आ जी अस इन ते गलाइंदा से के तमा इन गाल के खणो ते छाजे करे कम न थो ले छो जी एड़े हिसाब सा दे बाबा ठीक है सही साईं देखो उकियो साहब चो सही बिल्कुल ज्याती आ है अगर न के बाहर न कई आ ते डीसी नवाब शाह वो जो उम्मीदवार इलेक्शन में दफे बीहंदा सही उन्होंने पुछाणो छाणो बुगो साहब थी या न इन गाल से हू बदल डीसी के कम करो सिर्फ अच्छा पर गलत आ न थे खपे चाचड़ साहब का मुझे सागो सवाल है तो भला इलेक्शन में कोई पुल वुल वोट मल याद इंदी तक या न पुल जो ताल्लुक ना है वोट से वो चाचड़ चाचड़ के ींद अलिफ अलिफ के ींद काजी काजी के ींद सुमरो सुमरो अच्छा ये थी माना वो ही पुल वुल वास्तो ना इन गाल इलेक्शन से इन न अच्छा लेकिन बहरहाल इन पास कंदकोट में फोन आयो तो मुख्य ही याद अची तो अज अस होम मिनिस्टर साहब हारिस नवाज साहब हारिस ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब जो है अज वरी चाहिए चई चुका है कुछ सरदार कुछ सरदार कुछ धाड़े कुछ धाड़ेल हाँ कुछ कुछ जो इन अगर जो ऐसो चब डिक्लेयर्ड ऑफेंडर्स हूँ उनके सिंधी में एलानियल जेके धाड़ेल हुंदा ये धाड़ेल दुहारी आ ना उन जी लिस्टूं ऐं उन जा फोटो वोटो छपा आहिनि त भई हिन ते हेतिरी सज़ा रखियल आहे त ही कुझु सरदारनि जा बि नाला अगरि हारिस साहब होम मिनिस्टर साहिबु ॿुधाए छॾी त असांखे बि थिए अच्छा बाबा हे हे आहिनि अच्छा असांखे बि नथा ॿुधाईं भला को हुनजे ख़िलाफ़ु एक्शन एक्शन हाणे साईं चवनि था त असां हुननि खे वॉर्निंग ॾिनी आहे त उहो मूंखे हिकिड़ी फिल्म जो किसो सीन यादि अची वियो त हुनमें चए थो मैं तुंहिंजे ये आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ कि आईंदा ऐसा नहीं होना चाहिए वो चयस तो अमिताभ बच्चन जी का फिल्म तो वो चयस सर वो पिछली दफ़ा भी तो आखिरी दफ़ा कहा था आपने पिछली दफ़ा भी तो आखिरी वार्निंग दी थी मुझे तो ये को इन निगरा हुकूमत दौर में पटे दफ़ा तो आखिरी दफ़ा वार्निंग थी वही चंदा पांजा जे ही जेड़ा आनी निबेरे वो माना जिरगन की सलाह है सरदार अगर तहां के आए अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध होम डिपार्टमेंट ये समझे थी ठीक समझे थी समझे भी ठीक थी ये ना है तो मुख्य समझ सा को इनकार है या अख्तलाफ है तो सबब है तो कुछ सरदारन कुछ धाड़ेलन के खिलाफ एक्शन न तो थे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस यस मोस्टली यही समझ में सियासी इनका रिपरकशंस या सियासी इनका मैनेजमेंट में नुकसान थी धाड़ेलन से कड़ो थी अगर धाड़ेल खत्म कर छी वींदे वींदे निगरान हुकूमत हाँ जनवरी में वन वाली गाल वींदे वींदे ये कारुंजर ही अजाई खबरू न कन जो फोकस रहन धाड़ेल सिंध में खत्म कर हलिया वन तो मुझे ख्याल में निगरान के ढी दुआ पवंद सियासत ही चवन था असि न्यूट्रल आयो तो भाई बिला तफरीक बिना फर्क नसल जात पात
या पार्टी एफिलिएशन का छड़े करे, अलिफ पार्टी जो है या बे पार्टी जो है, अगर को सरदार जो नाम निहाद मामला आहिन, अगर को सरदार साहब को भोतार साहब बधोस आखिर छा मसलो छा है तहां के सुभाने इलेक्शन थोड़ी बननी है। एक मकबूल बाकर साहब जी को सियासी पार्टी की हुकूमत ना है जो इन पार्टी के सुभाने नुकसान थी हथ विझो न। जी हाँ जी हाँ उन्हें वही हथ बी जगह कॉलर वी अब्दुल गफूर काके पुटो ना आप चवा जी काके पुट साहब चाहो चाहिंदा साईं काजी साहब यासिर साहब सलाम अर्ज साईं काजी साहब खां यो मुझो अजो सवाल है त घरु मामलन जी जका सेनेट जी कमेटी उन्हें में एकड़ो काफी जो मान जो एकड़ो दिल्ली मुतालबो हो तो जो आए तो भाई जो गैर कानूनी कार्ड वगैरह अफगानी या कड़ा हुजन उन्हें खत्म किया वन उन्होंने अमल की रो हाँ उनमें पीपीए के मेंबर आगे रफीउल्ला वरी नव शो बिहार के कार्ड जारी कर घरों से कि वादे चे तो भाई असा उन्हें शहरी तस्लीम ना तो कार्ड जारी किएं था कर सकूँ तो इन मामले के तुम किएं था दिसो मेहरबानी। ठीक है सही वेब कॉलन सोहेल शेख कराची वा जी शेख साहब चार्ज में चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो अली कैद साहब का सवाल है जी सही मियां साहब जी अपीली में बाल थी वही जमानत भी मिली वही हूँ जी ठीक है ऐ उन के यह भी खबर आ इलेक्शन कदें थी जी छा अगर ये सब सब कुछ थी तो वने वो अगर मियां साहब के ग्राउंड मिली तो वने मियां साहब की मर्जी से इलेक्शन थी मियां साहब की मर्जी ठीक है एबीओ यो तारी के इंसाफ जा अजन सितारा ट्रोडी ट्रोडिया भी ना यो मुझे सवाल है। ठीक है पहले सवाल सही था जो ये हो ना मियां साहब जी मर्जी से इलेक्शन थी मियां साहब की खबर आ तो इलेक्शन करें था नहीं है जी जी तब इलेक्शन में थिंदी या न थिंदी वो आज मैंने के खबर आ जी जैसे अपनी भी बाल थे भी हूँ कितने ये तो ना है तो मियां साहब ना का गेम थी वने ने बिचे में गेम थी वने जी ठीक है साई का कैन यू कॉल साई का गफूर काके पुट साहब जो अच्छा अच्छा वो जो का कन पैसे वो अलग पीपल्स पार्टी जो चवन था एमएनए आ है बोर्ड हारे पे पीपल्स पार्टी के मतलब सीधो सीधो उनका लातालकी करण खपे एकड़े एमएनए जे करे छ पीपल्स पार्टी पांजी पॉलिसी चेंज कंदी हो तो चाहे पे तो कराची सजा अगवानी सजे मुल्क मा आने कराची में बिहारे छजो बिहारियन के कार्ड दे छजो आने का एक मानु बोर्ड हारे पे उनसा पार्टी पांजी छो थी साख खराब कराए पीपल्स पार्टी के उनका डिसोर्ड करण खपे मतलब सिंपल गाल है तो सिंध मानन सा एकड़ी उनन जी दिलाजारी करे तो पर असन जे होम मिनिस्टर घरू जो फेडरल एंड इंटीरियर मिनिस्टर yes. बुकटी साहब उनन तो वाजे कयो आ ते एकड़ो एकड़ो बु पढे ते नरण दींदासी ए जेको उनन जी मदद करे पियो उनन जे खिलाफ भी उन जे खिलाफ बु थिंदो ए जेके अगर उनन जे खिलाफ पे एक्शन बुकटी साहब चन पिया ते ही जेको उनी हिमायत में बयान कढन पिया पर इनन के बदी वठन एग्जैक्टली मतलब भाई जी ही भी तकली मॉरल मदद आ ने खलाकी मदद पिया कन सेनेट में वेड़ी गुफ्तगु कन पिया जी सेनेटर आया छा वो मुझे ख्याल से जेयूआई की तरफा भी कुछ आई है मतलब जो भी करे पे गाली है तो गैर कानूनी गाल है तो गैर कानूनी गाल है रियासती हुकूमती फैसलो है मुल्की फैसलो है इनमें किए था ये कन आई कोई अड़ो गलत फैसलो हो चलो चाहिए तो भाई जाहिर दुनिया में किथे भी इलीगल मानन के रहने की इजाजत न होंगी है तो असो मुल्क ही है जो इंटरनेशनली जो वणे इतने घिड़ी अचे वेही रहे असेंगे सारी दुनिया जो ठेको पाकिस्तान के न खड़न खपे लेकिन जो हि गाल बुक्टी साहब यह भी चई तो जिन्हें प्रॉपर्टीज इलीगल हैं यानी जो इलीगल इतने रहल इतने प्लाजा दुकानों ट्रांसपोर्ट वरतल है आई एम श्योर कि अगर उनते एक्शन थो तो इतने मानू अचान जैसे ये ना तक जैसे ये एहसास थे तो यू आर नॉट वेलकम तेज खुश आमदेद को लामो हाला तुम उतने वन छा या उतना टपड़ वेड़ीदा सो आई थिंक इट्स हाई टाइम हाँ तो अगवान गवर्नमेंट भी चाहे थी सफीर भी चाहे तो भाई अगर असा के फजीलत से कढ़ी दिया असा मूँ तो असराज ना पा मूँ वी वो फजीलत से वी वो कि असा इंसानी हकन की भनकड़ी तो कें भी नियण खे एक वो इंटरेस्टिंग इनमें भी किया तो 50,000 पाकिस्तानी रुपीज के अलावा कोई ना खी वही किथे अफगानिस्तान वापस बकाया पैसा तो ना खी डॉलर वॉलर ये कुछ भी ना 50,000 पाकिस्तानी रुपया तो बंद थे इलाही डॉलर वो पाकिस्तान में हलिया वह इतने खपाए वो इन्वेस्ट कर वो मर्जी हाँ जो बो साई मियाँ साहब की गाल कई साई शेख गेम दर्द थी हाँ मियाँ साहब
साईं इहो मुंहिंजे ख़्याल त हिकिड़ी विशफुल थिंकिंग आहे शेख साहब. यस माण्हू असीं जीअं न ड्रामे में हिकिड़ो टर्न ऐं ट्विस्ट जीअं हमेशह उमेदु हूंदी आहे त ओचितो हींअर सीन हीरो मटिजी वेंदो ऐं हुन सां शादी न कंदो, हुन सां करे वठंदो ऐं पोइ हीअं थी वेंदो, हू थी वेंदो. अहिड़े कंहिं टर्न ऐंड ट्विस्ट जी मूंखे त को अहिड़ी तवका नज़र नथी अचे. तव्हां चयो पिया त गेम थी वेंदो, यानी हुन घुराए करे पोइ ॿधी वठंदसि, पोइ हीउ सभु कुझु छा पियो थिए? मूंखे अहिड़ी का एॾो एॾो ट्विस्ट ऐं टर्न हिन ड्रामे में नज़र नथो अचे. पर आर्मी चीफ साहब वरी वरजायो आहे त आवाम जे ऐं फ़ौज जे विच में जेको रिश्तो हुयो हुनखे नुक़सान पहुचाइण जी कोशिशि कई वई आहे. हुननि चयो आहे त जनरल माना मीडिया, सिविल सोसाइटी, हिननि जो हाणे फ़र्ज़ु आहे त माना इहो सही ख़बरुनि खे अॻिते वधाए. असां बिल्कुलु असां त अछी ॾाढ़ी थी वई. इहो असांखे अलाए कॾहिं खां इहो दर्स मिले थो. यस. ऐं त भई पॉज़िटिव इमेज ॿियो सुठी ॻाल्हियूं ॿुधायो, प्रोपेगेंडा खे एक्सपोज कयो. ठीकु ॻाल्हि आहे साईं. हा सभु वरी अॼु कल्ह अंगु हुयो 340 समथिंग, अॼु अंगु ॾिठोसि त 497 479 जेके आहिनि उहे फ्लाइट कैंसिल थी वियूं आहिनि 10 ॾींहनि में PIA जूं. साईं PIA मूं अर्ज़ु कयो तव्हांखे कल्ह बि, PIA खे हाणे बंदि करिणो आहे ऐं प्राइवेटाइज़ करिणो आहे. उनखां पहिरीं अहिड़ो त कमु कबो न जो सॼो पाकिस्तानी रड़ियूं करे. त बाबा हिनखे हाणे तव्हां सम्झो त 279 घणी 479 से लाइक 450 फ्लाइट्स कैंसिल, 480 फ्लाइट्स कैंसिल थी वियूं. हिकिड़े हिकिड़े जहाज़ में 150-200 माण्हू हूंदा, 150 ॿधी वठूं. हाणे फिगर केतिरो थी वियो? हिननि माण्हुनि जी टिकटूं वापसि कंदी PIA वटि त पैसा कोन्हनि. यस. पेट्रोल वठण जा त हिननि जा पैसा किथे विया? हिनखे रिफंड कीअं थींदो? अगरि को मिसाल अच्छा पोइ रिफंड छा 100% कंदा? इहो सभु सो ऐं हीउ नुक़सानु सिर्फ़ु इहो न पियो थिए, नुक़सानु इहो थिए पियो त अॼु खां पोइ मिसाल मूंखे सुभाणे अगरि इस्लामाबाद वञिणो हुजे या लाहौर वञिणो हुजे या दुनिया में किथे वञिणो हुजे त आउं त PIA जो वेझो बि न वेंदुसि. ज़ाहिर आहे त हिननि जी जेका अॻिते जी बुकिंग आहे उहा बि न थींदी, उहा बि न थींदी, उहा बंदि थी रही हूंदी हिननि जा. अच्छा पोइ इहो सिर्फ़ु न थी रहियो हूंदो, पोइ थी रहियो हूंदो जेके हिननि जा PIA जा जेके एजेंट्स ऐं हीअ सभु आहिनि. त हिकिड़ो पूरो मामिलो आहे जेको PIA सां हिकिड़ी बिल्कुलु उन हद ताईं वठी वेंदसि जीअं स्टील मिल्स आहे. त स्टील मिल्स हाणे को तव्हांखे आवाज़ु ॿुधण में अचे त न यार प्राइवेटाइज़ न कयोसि, हाणे सिर्फ़ु चवंदा यार हुनखे फज़ीलत सां विकिणी वठो ऐं हुननि जा मुलाज़िमनि खे जेके पघारूं ऐं ड्यूज़ आहिनि उहो ॾेई वठो. त हाणे मुलाज़िम बन चवंदा त असांखे असांजी पघारूं ॾियो ऐं ड्यूज़ ॾियो, असांखे फ़ारिग़ कयो, जान छॾियो साईं, जान छॾियो. त PIA जा मुलाज़िम बि देरि सवेर इहो करणु शुरू कंदा, हाणे ॿिए मरहले में हिननि जी पघारूं महीनो महीनो लेट थियणु शुरू थींदियूं. त उहो स्टील मिल्स वारो वर्जा थी सघे त आऊं ग़लति हुजां, अला करे आऊं ग़लति हुजां, लेकिन थींदे त उहो ई नज़र अचे थो. छा थियो SIFC इन्वेस्टमेंट कुझु ज़ाहिर ई न थियो, कुझु थियो ई न? थींदो थींदो लॻाए रखंदे किनारे ॻाल्हियूं त यको इहे ई हुयूं त झड़ो थी पियो न यार. जी हा, अचनि था त मिडलीस्ट में हेतिरो सारो थी वियो आहे. असांखे आसिरो अरबनि मां. यस. त अरबनि मां अरबे मिलंदा. हाणे अरब सगोरा ई मसरूफ़ थी विया आहिनि हिते मिडल ईस्ट में. छा कजे त मुश्किल सूरत यार पोइ इंक्रीज़ थींदी वेंदी न आहिस्ते आहिस्ते. ज़ारी ॻाल्हि आहे, हिकु अॼु चवनि था त 17 ग्रेड 21 ग्रेड वारनि जी उहो ई बंदि कंदासीं. इहो जेको बिजली वारो त किसो उन महिल बि जॾहिं बिजली महांगी थी पए त काफ़ी माण्हुनि जो ख़्यालु हो त भई यार मुफ़्त में. पर सिर्फ़ु हिननि सिविलियंस जो त मामिलो न आहे. एग्ज़ैक्टली. हिते अलाए किथे किथे ईअं थिए थो किथे बिजली जी छा असां वटि जेके ओवरऑल पर्क्स एंड प्रिविलेजिस आहिनि ओवरऑल उहो त क़ाबिल दीद आहिनि. पर ॻाल्हाए केरु ऐं बहरहाल लेकिन ठीकु आहे. मां ॾिसो न तव्हांजो अगरि खसारे में कंपनी आहे या मुल्क आहे या घर आहे त तव्हां पंहिंजा ख़र्च घटाईंदा आहियो या आमदन वधाईंदा आहियो. आमदन वधण जो त को सिलसिलो नज़र नथो अचे. ख़र्च ई घटी सघे थो. ठीकु आहे साहिबु, महिरबानी साहिबु. नाज़रीन अॼु जे प्रोग्राम जो पूरो थियो. वरी ईंदड़ प्रोग्राम में दुआ में आहे.